ये इंस्टीट्यूट का जो है कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, नहीं करते हैं। उनका कितना बड़ा हमको उपकार है जो हमारे गरीब बच्चे हैं, डिजेबल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए हर चीज़ की फ्री की व्यवस्था अगर कोई करके दे रहा है तो हमारे डॉक्टर कानू भाई हैं, जिनको भारत सरकार ने जिनकी इन्हीं सेवाओं के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है, पद्मश्री पुरस्कार। बच्चे समझिए ना, जो देश की सेवा करता है, आपके जैसे बच्चों को ला कर यहाँ उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम, शिक्षा देने का काम, उनको रोजगार परक शिक्षा देने का काम, कोई ना कोई कमर्शियल शिक्षा देने का काम अगर कोई करता है तो उनका नाम क्या है। इसलिए उनको भारत सरकार ने हमारे इस गुजरात की पार्टी के लाभ बहुत ही, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी, जानते हो ना सब बच्चे आप, उन्होंने स्पेशली बुलाकर उनकी सेवाओं को देखते हुए पद्मश्री का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है वो जाकर जो है दिल्ली में सम्मानित किया, उसे राष्ट्रपति जी देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति जी एक कार्यक्रम देते हैं, उसमें बाकी प्रधानमंत्री जी पूरे कैबिनेट और देश के सब बड़े बड़े आदमी उसमें जाकर जो है वो बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे कानू भाई का है जो इतने सारे डिजेबल दिव्यांग बच्चों को ये शिक्षित करने का काम करते हैं। और मैंने उनसे आग्रह किया है, जब आप सूरत में ही नहीं पूरे गुजरात में ऐसे जो है ट्रस्ट के इन बच्चों को सेवा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए ऐसे ही इंस्टीट्यूट खोले और पूरे देश के कोने कोने में जाकर भी खोले, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो अपने आप में कोई सुरक्षित महसूस करते थे, दिव्यांग हैं, अभी हम तो दिव्यांग हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, या अपने अंदर से हीन भावना रखने वाले ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री जी भी जो है, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी वो भी बहुत जो है अपने मूवमेंट के लिए उनके लगे रहते हैं। हमारी सरकार का बहुत बड़ा बदलाव उनके लिए है, हर चीज़ के लिए, लिपि के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एकदम फ्री व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। तो मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आप इस देश की सेवा में लगेंगे नहीं लगेंगे, आप जैसे यहाँ पर आकर ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऐसे ही आप जो है जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए उसी भावना के साथ जो हमारे और बहुत सारे दिव्यांग बहन भाई और बच्चे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के ऐसी शिक्षा दिलाने का हम काम करेंगे, उसके लिए आप कोरोना प्रेरणा के स्रोत हो, आप उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, ये आप यहाँ से जब अपनी शिक्षा कंप्लीट कर लें तो एक तो हमारे कानू भाई के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए आपने दुआ करनी है, जो सदा एकदम सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जब सुखी और स्वस्थ आदमी होता है तो तब ऐसी चीज़ों के बारे में सोच पाता है, उनके लिए तो आपने दुआ करनी है, क्या करनी है, क्या करनी दुआ, तो वो एकदम हेल्थी हो, स्वस्थ रहे, और फिर आपने यहाँ से जाकर वो सब ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर उनको ऐसा एजुकेशन देनी है, शिक्षा देनी है, जिससे वो इस हमारे देश के अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा में अपनी सेवा दे सकें। करेंगे बेटा, यही करने वाले हो आप, बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। आज आप आए हो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के स्कूल में, यहाँ दिव्यांग बच्चों की पाठशाला है, और आप भी खुद हज कमेटी, मतलब ऐसी जो किया जाए कि एक बढ़िया कमेटी में, वो भारत सरकार के, आज यहाँ पे आए हो पद्मश्री कानू भाई से मिले, कैसा लगा? नहीं, सबसे पहले तो मुझे इतना यहाँ पर आने की इतनी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि मेरा जो दिल है
वो एकदम गार्डन गार्डन हो गया। एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर कानू भाई टेलर जी, जिन्होंने कि अपने जीवन में इतना कुछ पाया और लोगों को दिया कि ये एक अविस्मरणीय एक ऐसा पल है। आज आते हैं, हमारे यहाँ 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ नागरिक, लेकिन सबका कुछ ना कुछ ध्येय ये होता है उनमें कि मैं भारत से क्या चीज़ लूँ, अपने देश से क्या चीज़ लूँ। लेकिन मैंने कानू भाई में ऐसा देखा कि मैं इस देश के लिए क्या दूँ, और उसका एक इतना बड़ा एग्जाम्पल, इतना बड़ा उदाहरण, इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट को वो रन कर रहे हैं, और जो बहुत ही तारीफ के काबिल है, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आज से मैं भी आपकी इस संस्था के कार्यकर्ता के नाते काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लायक जो भी कुछ बन पड़ेगा मैं आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहूँगा। ये मेरा ये पूरे का पूरा मिशन और ट्रस्ट देख कर ऐसा मेरी जो इच्छा है। इरफान जी, मैं कहना चाहूँगा हज कमेटी से जुड़े हो, हज भी एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब कहा जाए माइनॉरिटियों को खुदा के पास ले जाने की चीज़ है, वैसे ही कनु भाई भी अगर दिव्यांग बच्चों को एक यथार्थ रास्ता दिखाते हैं, दोनों का काम आपको और कनु भाई का सेम है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा उनका विचार है, बहुत अच्छा प्लान है, और जैसा मेरी उनसे बात हुई डिटेल में, उन्होंने जैसा बताया कि 50% बच्चे जो वो माइनॉरिटी के हैं और सब ऐसे हैं जो डिजेबल है, और उनके माता पिता जो उनके पेरेंट हैं वो किसी काबिल ही नहीं उनको कुछ सक्षम बना सकें, इस देश का अच्छा नागरिक बना सकें। तो ये बहुत उनका अच्छा एक प्रयास है। और जो हज या उम्रे के लिए उनको मैंने उन्होंने मुझे बोला है, तो हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, जो भी एक उसके लिए उचित प्रयास होगा वो हम करेंगे, उनके हर मोड़ पर मदद करेंगे, और ये फलीभूत और 100% श्योर करेंगे कि वो भी उम्रा या हज करके आएँ, और आकर इस सूरत में ही नहीं पूरे गुजरात के एक वो ब्रांड एम्बेसडर बने, वो बताएं कि हमारे इस ट्रस्ट ने हमारे साथ क्या किया। और जो अभी तक जो हमारे यहाँ अपोजिशन की कुछ पार्टीज वो सिर्फ माइनॉरिटीज को वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है, उन्होंने पिछले 60-70 साल में क्यों नहीं ऐसे इंस्टीट्यूट खोले, क्यों नहीं ऐसे बच्चों को जो है अपलिफ्ट करा, क्यों नहीं उनके माँ बाप को जाकर उन्होंने प्रोत्साहित किया। ये तो मैंने जैसा सुना है कि हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस गुजरात की माटी के लाल हैं, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का यहाँ पर इतनी बड़ी ज़मीन का अलॉटमेंट किया, उसके लिए सब सुख सुविधाओं की उन्होंने इसमें तैयारी की, और इतने सारे बच्चे यहाँ पर जो है हर तरीके का कोर्स, मैं जैसा देख रहा था कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो है एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम चलता है, जो कहीं भी जाकर वो रोज़गार पा सकते हैं बच्चे, तो एक अच्छा प्रयास है। अभी तो इरफान जी, यहाँ से 20,000 बच्चे निकल चुके हैं संस्था का, हर साल 450-400 बच्चे यहाँ पे आते हैं, और अभी तक 15,000 से 20,000 बच्चे कुछ अपने रास्ते लग चुके हैं। ऐसी संस्था पूरे भारत की बात की जाए, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और इस संस्था में मेडिकल हेल्प होती है उसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे भारत? नहीं, सबसे पहले तो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे सूरत ने इस पूरे देश के दिव्यांगों को सूरत दिखाई है, ऐसे इस पूरे देश के सब कोने में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए। और हमारा जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है वो काफ़ी इसके बारे में बजट भी है और वो खर्च भी करते हैं, और जो हमारे मंत्री हैं इसके थावरचंद गहलोत जी, बहुत ही सज्जन आदमी है, डाउन टू अर्थ आदमी है, और वो खुद हर आदमी की मदद करना चाहते हैं अपने मंत्रालय के थ्रू, जो हमारे दिव्यांग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, जो समाज से ऐसे पिछड़े में उनकी मदद करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ये एक मॉडल हो, जो सूरत में हमारा ये डिजेबल इंस्टीट्यूट है, ये ट्रस्ट है, ये एक मॉडल हो, और इस मॉडल को देखकर ही इस देश के कोने कोने में, कम से कम महानगरों में या कम से कम इस देश की राजधानियों में ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो हमारे दिव्यांगों को उनके हाथ पैरों पर खड़ा करके कि वो किसी के लिए जो है वो आश्रित किसी के ऊपर ना रह सकें, लोग उनके ऊपर आश्रित हों, ये देश उन पर गर्व करें। अभी तो बहुत सारे हमारे इस माटी के लाल गुजरात के नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे बच्चों को अपलिफ्ट कराए, बहुत सारे ऐसे स्कूलों को रन कराए, और ये बहुत अच्छा प्रयास है, हम इसके साथ हैं। हज कमेटी की बात कीजिए और डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दोनों लोगों की सेवा का ही कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में फ्यूचर में ऐसा क्या करना चाहेंगे दोनों साथ मिलके, हज कमेटी की तरफ से आप और पद्मश्री कनु भाई डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट, ऐसा क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में कि लोगों को और पूरे भारत में नहीं विश्व में संदेश जाए? नहीं, हम ऐसे बच्चे जो आपके जो है डिजेबल हैं, दिव्यांग हैं, अगर वो ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में, 10+2 के बाद में, अगर वो UPSC की कुछ तैयारी करना चाहते हैं,
तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उनको उस तैयारी में मदद दे सकती है। हम 50-60 बच्चे हर साल जो है वो हमारा जो हेडक्वार्टर है मुंबई में वहाँ पर उनको रखते हैं, उनको फ्री सर्विस देते हैं, फ्री उनको खाना देते हैं। तो 2-4-5 अगर ऐसे टैलेंटेड और होशियार जो आगे चल के जो है UPSC का एग्ज़ाम अगर उनमें क्षमता क्रॉस करने की है तो ऐसे बच्चों को हम कोचिंग दे सकते हैं, हम ये आपका सहयोग कर सकते हैं। इवन भी अगर बात की जाए तो ये 11 बच्चे के परिवार जो संस्था में आए थे, संस्था से बात किया, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पूरी 7 पुश्तें अभी तक कभी मक्का या उमरा को नहीं गई है और ये संस्था इनको भेज रही है 11 बच्चों को, और उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उनकी पुश्तों में कोई जा पाए। तो ये जो 11 बच्चे विश्व में एक बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, ऐसी एक चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है और ये समझ लीजिए उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि जो आदमियों के लिए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या खाना खाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे और उनको ऊपर वाला और कानू भाई जैसे फरिश्ते अगर उनको वहाँ पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब जो प्रयास है। और उन बच्चों के लिए तो जैसा मैंने अभी बोला वो वहाँ से वापस आने के बाद, और इसमें कुछ दो कैटेगरी होती है समझ लीजिए, एक होता उमरा पर जाना और एक होता हज पर जाना, तो दो अलग अलग चीज़ें। तो अभी तो वो पहली बार उमरा के लिए जा रहे हैं, तो जब वो उमरा से आ जाएंगे तो आपके ही जो बाकी बच्चे हैं वो खुद उनको जो है उसका लेसन देंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे, तब वो उनके अगले वाला जो प्रयास होगा सेकंड वो हज पर जाने का होगा। उमरा के लिए तो हम 10-15 दिन होकर आ सकते हैं, वो जब हज पर जाएंगे तो उसमें 1-1.5 महीना रहना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा मिशन होता है। तो अभी पहली बार जो है आप उमरा के लिए भेज रहे हैं, बाद में वही बच्चे आकर जो है बाकी बच्चों को एक ट्रेंड करने का और एक उनके लिए खुद ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रयास होगा। डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के डॉक्टर कनुभाई के लिए क्या शब्द रहेंगे? नहीं, ये हमारे लिए एक भारत के लिए एसेट है, ये लायबिलिटी नहीं है। भले ही आपने उसमें डिजेबिलिटी लिखा हुआ हो लेकिन वो लायबिलिटी नहीं है, वो भारत के लिए एसेट है। और ऐसे ही इंसानों की फरिश्ता से पूरे गुजरात में ही नहीं, सूरत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत है। और ये अगर ये ऐसा भगीरथ प्रयास खाली सूरत के लिए नहीं, गुजरात के लिए नहीं और पूरे देश के लिए करेंगे, कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जो देश की राजधानी दिल्ली में भी हो और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के राज्यों की भी राजधानियों में हो, तो उसका एक बहुत बड़ा जो है तो देश के लिए संदेश जाएगा और उनकी भी जो इतनी बड़ी महानता है वो भी लोगों को पता लगेगी। ये खाली उन्हें पद्मश्री पर ही नहीं रोकना है, मैं तो चाहूँगा कि ऐसे इंसान को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, कानू भाई जैसे आदमी जो इतना बड़ा भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, देश की सेवा में अपना सब कुछ उन्होंने न्योछावर कर रहे हैं, तो उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात की पांडी, आखिर में यही कहूँगा दिव्यांग बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या है? नहीं, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि उनको ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने एक अलग से अंग दिया हुआ है और जिसको हम जो है एक खुदादाद सलाहियत कहते हैं, गॉड गिफ्टेड कहते हैं, तो वो अपने आप को समाज से कमतर न समझें, वो अपार उनमें क्षमता है, वो हमसे ज़्यादा सोचने समझने की ताकत रखते हैं, हमसे ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। अभी मेरे बगल में जो इसके संचालक हैं, इसके ट्रस्टी हैं, उनसे ही मुझे इतना मतलब जो प्रोत्साहित हो रहा हूँ, मेरे में खुद एनर्जी आ रही है कि एक आदमी मेरे में हर चीज़ मौजूद है, मैं इतना काम नहीं कर सकता, जो अपने उस दिव्यांग के बल पर और ताकत पर उन्होंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, तो ये प्रेरणा का हमारे लिए। और वो अपने को कमतर ना समझें, वो भी इस देश के उतने ही सम्मानित नागरिक हैं जितना मैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।